मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र किया और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, तो एक बार प्लीज प्ले करिए और शालिनी मैडम इस बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। भारत सरकार जिसका जिक्र आपने किया, 2014 में 56 लाख करोड़ का कर्ज, 2022 में यह कर्ज बढ़कर 139 लाख करोड़ का हो गया, लगभग 3 गुना। हर व्यक्ति पर कर्ज कितना था 2014 में? 44,348, और अब हो गया 101,048, लगभग 2.5 गुना। बेरोजगारी दर 2014 में 4.7% और अब यह बेरोजगारी दर हो गई 7.8%। रुपया जो 2014 में 59 रुपए हुआ करता था, वो डॉलर के मुकाबले में आज हो गया 80 रुपए के करीब। 79 प्लीज, हम किस बात के लिए गलती माने कि महंगाई हमने करी है? हमने जाके कहा था यूक्रेन को कि युद्ध करे रशिया से, या रशिया को कहा था युद्ध कर तू यूक्रेन से? ये गलती हमारी तो नहीं है? आप चुप करके आराम से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुना। आप कह रही हैं कि ये युद्ध हो गया जिस वजह से 2014 में 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और इस वजह से भारत पर 2022 में कर्ज हो गया प्रति व्यक्ति 139 करोड़। आप अभी आप आने वाले टाइम की बात नहीं कर रहे थे, आप पीछे वाले टाइम की बात कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। आप क्यों हमेशा पीछे जा रहे हो? देश को आगे लेके जाओ ना, आने वाले टाइम की बात करो कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसका बहुत 70 से लेके 74 तक भी फिर बोलिए, आप सिर्फ 2014 पे क्यों अटके हुए हैं? की बात करते हैं ना, फ्यूचर की ना पास्ट की, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, 3 महीने से 20% दिखा सकते हैं मैडम प्लीज। तेल कंपनियां इंडिया के हाथ में नहीं है, ये बात आपको बार बार बोलेंगे तो आप कहोगे कि ये चिराग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बता दो ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट हुई लेकिन देश की जनता को इसका फायदा नहीं मिला। 2 महीने से दाम स्थिर है। एक मिनट, ये जो आंकड़ा है सुनिए जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले एक साल में 4 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। अब आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं झूठ आप बोल रहे हो तो यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। आप पहले फैक्ट चेक करिए, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई 4 बार, 200 से लेके 300 रुपए तक के दाम घटाए गए, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे वो एलपीजी के गैस हो। एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल सही काम, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा फिर उसके बाद बोलिएगा, प्लीज सुन लीजिएगा, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलिए। 2014 में 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी पेट्रोल पर और 3.5 रुपए हुआ करती थी डीजल पर, वो बढ़कर पेट्रोल की आपने की 32.90 रुपए और 31.80 रुपए डीजल पर, जो आज की तारीख में 19.90 रुपए पेट्रोल पर ले रहे हैं आप और 15 रुपए लगभग करीब 15 रुपए डीजल पर ले रहे हैं, जो 2014 के लेवल से आज भी कई दफा ज्यादा है। प्लीज कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। अब आप जो जिसकी बात करें, एक्साइज ड्यूटी 4 बार घटाएगी, अब आप कह रहे कि बढ़ाई क्यों गई थी, तो बढ़ाई किस लिए गई थी वो आपको भी पता होना चाहिए कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जो असर है वैश्विक महामारी थी, कोई मोदी जी लेके बाहर से यहाँ इंडिया में नहीं आए थे चाइना से। उदाहरण के तौर पर एलपीजी के और बढ़े ना दाम, आपके घर में भी बढ़े होंगे, आते होंगे सिलेंडर 50 रुपए और बढ़े, तो एलपीजी के 1,050 रुपए, तो सिर्फ मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये वही एलपीजी सिलेंडर है जो दिसंबर में 2019 में 594 रुपए था। आप कह रहे महंगाई बढ़ी नहीं, अगले कुछ महीनों में देखेगा कि बहुत ज्यादा घट के 4% पे आ जाएगी। अब अगर उससे आप हवा हवाई बातें कहेंगे तो मैं यही कहूंगी कि वेट एंड वॉच। ये तो आप, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, 25 लाख लोगों ने जून के महीने में अपनी नौकरी गंवाई, और इस बात को लेकर क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एक आंकड़ा मैं देख रहा था, विदेशी छात्र जो विदेश में पढ़ते हैं छात्र, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जनवरी से लेकर अब तक 7% बढ़ गई क्योंकि रुपया कमजोर हो गया। क्या ये चिंता की बात आप नहीं? देखिए आपको बहुत अच्छी तरह हर पत्रकार को, सबको, न्यूज चैनल को पता है कि बार बार अमेरिका हमारी तरफ से चाह रहा था कि हम रशिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले, लेकिन क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र रह चुका है इसलिए हमने इस लड़ाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, हमने यही कहा। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति जो है, ये विदेशी ताकतें राजनीति खेल रही हैं कि इस देश का नाम कैसे उनको नीचे करा जाए, लेकिन उसके रेपो रेट बढ़ जाती है, ये विदेशी ताकतों का हाथ है। हमने तो नहीं बढ़ाई, हमने महंगाई तो नहीं बढ़ाई, भारत के पास इतनी, मतलब हम इतना सुपर पावर बन गए हैं कि हम ही महंगाई बढ़ाते हैं, हम ही घटाते हैं। ये तो आपने बहुत ही अजीब सी बात कही, और अगर ऐसा है तो मैं तो कहूंगी आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैं ऐसे देश के नागरिक हूं जहां उनके, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में महंगाई को बढ़ा भी देना और घटा भी देना, तो मुझे तो अपने प्रधानमंत्री जी पे गर्व हो रहा है। बिल्कुल गर्व होना चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री गर्व होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है,
देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है महंगाई कम करना। मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए प्लीज। महंगाई दूर करने का वादा किया था, महंगाई गई, लेकिन महंगाई में मर रहा मेरे देश का नागरिक उन्हें याद नहीं आ रहा, वो महंगाई के पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। नहीं नहीं, आप चावला जी एक सेकंड प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। इनका पास चले तो ये कहे और कह भी चुके हैं कि कोरोना मोदी जी बाहर से लेके आए थे, और कोरोना का इंजेक्शन लगवाओगे तो आप क्या हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। ये आप पिछले 6 महीने में जाना चाहते हैं और अगले आने वाले 6 महीने में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर फूड इन्फ्लेशन 7.5% है? कोई दुनिया का एक ऐसा देश, कोई दुनिया का उठा। चलिए आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, आज तक नहीं हटाई। ये कोई ऊपर से जादू की छड़ी चली थी या कोई ऐसा कोई आ गया जिसने कुछ भी छूमंतर कर दिया और ये हो गया? तो प्लीज आप भी अपना फैक्ट चेक करिए, मैं भी कर रही हूँ, और आपको भी हक है सवाल करने का, मुझे भी हक है सवाल भी करने का, जवाब भी देने का, और मैं जवाब भी दे रही हूँ। मैं सवाल पूछ सकता हूँ मैडम? जी जी पूछिए, पहले पूछिए सवाल सुन लीजिएगा, तभी जवाब देना आसानी होगी, है ना मैडम? महंगाई का सर मैं बिल्कुल सही जवाब दे रही हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं सुनना नहीं चाह रहा। ओके, कौन सी ऐसी हम महंगाई से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आटे पर GST लगाकर हम महंगाई को कम कर रहे हैं? मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि अभी गेहूं जो है वो सस्ता किया गया क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, उस वजह से रेट जो थे वो बढ़ गए थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आटे पर GST लगाकर हम कौन सी महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं? आटे पर GST? मुझे सिर्फ बताइए, जब हमने गरीबी दर रेखा कम कर ली तो हम इससे भी लड़ जाएंगे, पूरी दुनिया लड़ रही है लेकिन हम निकल जाएंगे। महंगाई से परेशान है आपकी? नहीं, आप फिर मुझसे सुन लीजिए ना जी। महंगाई से मुझे ये बताइए, आप 6 महीने पीछे से कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। अभी इसी महीने में मई में, सुन लीजिए प्लीज, IMF ने भी अनुमान लगाया है कि हमारी महंगाई जो है दर वो घटेगी और हमारी जो विकास दर है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो बढ़ के 8.5 होगी। ये हमने नहीं कहा, ये IMF ने कहा है, सरकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं कुछ, पे अगर बात करें, मैं क्यों कुछ नहीं कहूंगा। बात करें